हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस बुक ऑफ सेवंथ क्लास। इस वीडियो में हम लोग सेवंथ क्लास की साइंस बुक को स्टडी करने वाले हैं। इट इज द स्टूडेंट एडवाइजर बुक, एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस साइंस बुक। इस साइंस की बुक का फर्स्ट लेसन है ये, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन, प्लांट्स में पोषण, पौधों में पोषण, पौधों को जो जरूरी चीजें हैं वो किस तरह से प्राप्त होती है, वो उनका न्यूट्रिशन कहलाता है। हम लोग इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अप टू हियर इन प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग यहां तक की स्टडी कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, ताकि वो यहां तक की स्टडी को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। फिर भी मैं एक बार जो कीवर्ड्स यानी मुख्य मुख्य जो शब्द यहां पर हमारे प्रीवियस वीडियो में आए थे, वो मैं आपको एकदम ब्रीफली बताना चाहूंगा, संक्षेप में बताना चाहूंगा, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। जो पार्ट ऑफ लेसन हम पढ़ चुके हैं, जो लेसन का पार्ट यानी भाग जो हम पढ़ चुके हैं, वो एक बार आपकी माइंड में रिवाइज हो जाए, वापस एक बार याद आ जाए आपको। इसलिए मैं आपको कुछ ब्रीफली बताना चाहूंगा, कुछ संक्षेप में बताना चाहूंगा। देर आर फ्यू वर्ड्स विच वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम कुछ वर्ड्स थे, खास वर्ड्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उनको मैं एक बार ब्रीफली बताना चाहूंगा। एक वर्ड आया था यहां पर जो आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी होते हैं पोषक तत्व, वो जरूरी चीजें जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरी होती है, चाहे वो सजीव हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, जो जरूरी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए होती है उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यहाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स के नेम्स भी दिए हुए हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स कहलाती है, जो कि हमारी बॉडी को रन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। प्लांट्स को भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और एक और जो वर्ड आया था वो था न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये किस तरह से किसी बॉडी को प्राप्त हो रहे हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने का तरीका होता है, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टू गेट द न्यूट्रिएंट्स, हाउ द प्लांट गेट्स द न्यूट्रिएंट्स, कैसे कोई प्लांट न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है अपनी बॉडी में, ये जो तरीका होता है इसको न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। और यहां पर हमने ये भी स्टडी किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन को प्राप्त करते हुए दिखते नहीं हैं। कुछ अगर इंसेक्ट ईटिंग स्पीसीज को छोड़ दिया जाए, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कीड़े खाते हैं, तो ऐसे कीड़े खाने वाले प्लांट्स को अगर छोड़ दिया जाए, उनके अलावा बाकी सारे प्लांट हमें खाना खाते हुए दिखते नहीं है, तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था। ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली थी। और इसके साथ ही हमने ये चीज की स्टडी की थी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बाकी दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं बना सकते। इसलिए प्लांट जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये जो यहाँ पर हमने पढ़ा था, सिंपल सब्सटेंस के द्वारा वो अपना न्यूट्रिशन खुद लेते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। और ऐसे जो प्लांट होते हैं या ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, उनको हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है। तो दो टाइप के जीवों को यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक
और एक हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इसमें केवल ग्रीन प्लांट आएंगे। और जो दूसरी कैटेगरी है हेटरोट्रॉफिक, इसमें सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य भी उसमें शामिल है। हम खुद किसी और पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, मेनली हम प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, और अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अगला लेसन का पार्ट। आई होप यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो। मैं मुझे आशा है कि आपने पिछला वीडियो जरूर ध्यान से देखा होगा। और आई वॉन्ट टू टेल यू डियर स्टूडेंट्स, यू शुड वॉच द वीडियो कंटिन्यूअसली। आपको लगातार वीडियो देखने चाहिए, डोंट मिस ए सिंगल वीडियो। एक भी वीडियो को आपको मिस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड द होल लेसन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन। अदरवाइज या इसके अगर आप ऐसा करते हैं, वीडियो मिस करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको पूरा जो लेसन है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आप, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। सो प्लीज वॉच द वीडियोज कंटिन्यूअसली एंड डू द वर्क विच आई गिव यू इन द वीडियो। जो भी वर्क मैं आपको देता हूं वो भी आपको अपनी नोटबुक में करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट टूडेज पार्ट ऑफ द लेसन। आइए शुरू करते हैं आज का जो लेसन का पार्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है यानी जो प्रश्न अब उत्पन्न होता है, अब हम जो इतना पढ़ चुके हैं इसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होता है यानी जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती है यानी भोजन, अब फैक्ट्री किसको बोलते हैं, जहां कोई चीज बनती है वही फैक्ट्री कहलाती है। तो प्लांट के अंदर फूड बनाने की जो फैक्ट्री होती है वो कहां होती है, ये जो प्रश्न खड़ा होता है। यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, लेकिन आखिर उनमें ये प्लांट की जो फूड बनाने की जो फैक्ट्री है वो होती कहां है, ये प्रश्न खड़ा होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, प्रश्न जो निकलता है, उत्पन्न होता है, वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती है आर लोकेटेड, वो कहां स्थित होती है यानी प्लांट के कौन से हिस्से में वो फूड फैक्ट्री होती है जहां भोजन बनता है। वेयर फूड इज इन ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, क्या फूड प्लांट के सारे पार्ट्स में होता है, हर जगह होता है फूड बनाने की फैक्ट्री, और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, या कोई खास पार्ट्स में ही होता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन, कैसे प्लांट प्राप्त करते हैं द रॉ मटेरियल्स, कच्चा सामान, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर से, अपने सराउंडिंग से जो रॉ मटेरियल चाहिए फूड बनाने के लिए, जो कच्ची सामग्री चाहिए, उसको वो अपने सराउंडिंग से कैसे प्राप्त करते हैं पौधे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम, और कैसे वो फिर उस कच्ची सामग्री को, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, टू द फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, वो प्लांट की जो फैक्ट्री होती है जहां भोजन बनता है वहां तक फिर वो रॉ मटेरियल को यानी कच्ची सामान को कैसे भेजते हैं, ये सारी चीजें प्रश्न के रूप में अराइज होती है, खड़ी होती है, उत्पन्न होती है। यहां पर एक बॉक्स भी दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। यहां एक इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ नॉलेज दिया गया है, लेट्स रीड अबाउट इट। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। द वे फूड इज बर्नट, वो तरीका फूड इज बर्नट, जिसके द्वारा जो भोजन है वो बर्न यानी जलता है, इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में, जलने का मतलब है पचना, यहां पर जो बर्न का मतलब जलना होता है लेकिन यहां पर बर्न का मतलब है पचना, एक सामान्य भाषा में आप समझे तो। द वे तरीका फूड इज बर्नट, जिससे कि फूड जलता है या पचता है, इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में, इज डिफरेंट, ये अलग होता है। हमारी बॉडी में जिस तरह से फूड बर्न होता है या पचता है, फ्रॉम द वे, उस तरीके से ये अपना तरीका डिफरेंट होता है। द फ्यूल्स, जो फ्यूल्स होते हैं
जो गाड़ी में डलने वाले ईंधन होते हैं वो जल करके, ईंधन जो होते हैं, जो फ्यूल होते हैं, वो बर्न करके वो जलते हैं गाड़ी में, और फिर एनर्जी एनर्जी डराइव करते हैं, निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं और उससे गाड़ी चलती है। लेकिन वो जो तरीका है, गाड़ियों में जो फ्यूल डलता है, वो बर्न होता है और गाड़ी चलती है, उससे हमारी बॉडी वाला तरीका डिफरेंट है, वो अलग है, उस तरह से नहीं जलता जैसे गाड़ियों में जलता है। फिर से मैं कंप्लीट बताना चाहूंगा, द वे वो तरीका, फूड इज बर्न्ट इन अवर बॉडी, जिससे कि वो तरीका जिससे कि जिसमें कि फूड हमारी बॉडी में बर्न होता है, जलता है या पचता है, इज डिफरेंट, वो अलग होता है फ्रॉम द वे, उस तरीके से द फ्यूल्स, जैसे कि फ्यूल्स होते हैं यानी ईंधन होते हैं, सच एज पेट्रोल डीजल कोल, जैसे कि पेट्रोल डीजल कोयला, ये जो फ्यूल होते हैं, ये जिस तरह जल करके एनर्जी निकालते हैं, वो अलग तरीका है हमारी बॉडी में फ्यूल कैसे, हमारी बॉडी में फूड कैसे बर्न होता है, वो अलग डिफरेंट तरीका है, एटसेट्रा, आर बर्न्ट टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये जो फ्यूल होते हैं ये कैसे जल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो अलग है, यानी दोनों तरीके अलग हैं, सेम नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ तक कि ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर प्लांट्स के अंदर जब फूड खुद बनता है तो वो बनता कहाँ है, उसकी फैक्ट्री कहाँ होती है फूड बनने की प्लांट के अंदर, और वो जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा सामान चाहिए फूड बनाने के लिए, वो कहाँ से आता है प्लांट में, और जब वो प्लांट में आता है तो फिर वो फैक्ट्री तक कैसे पहुँचता है, ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। लेट्स फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, आइए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में भोजन बनाने का प्रोसेस, प्रोसेस यानी विधि, प्लांट में भोजन बनाने की विधि जो होती है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, इसी से भोजन बनता है प्लांट्स में, इसीलिए यहां लिखा है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में भोजन बनाने की प्रोसेस, प्रोसेस यानी क्रिया। आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे आर एबल, ये एबल यानी योग्य होते हैं, टू प्रिपेयर देयर ओवन फूड, अपना खुद का भोजन प्रिपेयर करने के लिए, फ्रॉम सिंगल रॉ मटेरियल, सिंपल रॉ मटेरियल्स, साधारण, सिंपल यानी सरल, साधारण रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान, भाई कोई भी आपको चीज बनानी है तो कच्ची सामग्री तो चाहिएगी, कच्ची सामग्री होगी तभी तो आप कोई चीज बना पाएंगे। तो पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा सामान चाहिए, वो बहुत ही सिंपल होता है। पौधे जो अपना फूड बनाते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो कच्चा सामान यूज करते हैं, वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही साधारण चीजें होती है। वो क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है एक तो, जो रॉ मटेरियल पौधा यूज करता है फूड बनाने के लिए, उसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फ्रॉम द एयर यानी हवा से मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको, एंड वाटर और पानी चाहिए होता है वो तो उसको, फ्रॉम द सोइल वो मिट्टी से मिल जाता है। तो केवल ये दो चीजें चाहिए पौधे को, एक तो चाहिए वाटर, वो तो उसको मिल जाता है सोइल से यानी मिट्टी से, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए वो मिल जाती है एयर से। प्लांट्स गेट द एनर्जी, और फिर क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें कच्चा सामान चाहिए कोई भी खाना बनाने के लिए, फिर एनर्जी भी चाहिए उसको गर्म करने के लिए। तो अब ये तो हो गया रॉ मटेरियल, क्या क्या, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, लेकिन एनर्जी भी तो चाहिए उसको बनाने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है प्लांट्स को? प्लांट्स गेट द एनर्जी, प्लांट्स एनर्जी प्राप्त करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फूड, भोजन बनाने के लिए, फ्रॉम सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से। उनको जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है उनको सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो तरीका है न्यूट्रिशन का, मोड यानी तरीका, ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का, पोषण का
वो तरीका वेयर यानी जहां ग्रीन प्लांट्स मेक फूड देमसेल्वेस, जहां ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे मेक फूड यानी भोजन बनाते हैं, देमसेल्वेस यानी वो खुद भोजन यानी न्यूट्रिशन का वो तरीका, न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज, साधारण पदार्थों से, साधारण सिंपल सब्सटेंसेज से, साधारण पदार्थों से जब भोजन प्लांट्स अपना खुद बनाते हैं, ये जो पोषण का तरीका है, ये जो न्यूट्रिशन का मोड है, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो तरीका होता है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने का तरीका, अपने स्वपोषी, हिंदी में इसको स्वपोषी पोषण कह सकते हैं, अपने आप अपना भोजन बनाने का जो ये तरीका है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं साधारण चीजों से, सिंपल सब्सटेंसेज से, ये जो तरीका है पोषण का, ये जो न्यूट्रिशन का मोड है, ये कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच प्लांट्स, और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, आर देयरफॉर, इसीलिए कॉल्ड यानी कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और इसीलिए ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उन प्लांट्स को वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट्स तो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो ये तरीका है वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का ये तरीका तो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और प्लांट्स जो इस तरह के होते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को समझना होगा। अब पढ़ते हैं आगे की बात। द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स, ये जो ग्रीन लीव्स यानी हरी पत्तियों की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, देखिए हर चीज कोशिका से बनती है, सेल से बनती है, तो जो हरी पत्तियां होती है, ग्रीन लीव्स होती है पौधों में, उनकी जो सेल्स होती है, हरी पत्तियों की जो कोशिकाएं होती है, द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स की जो सेल्स होती है, एंड यंग स्टेम्स, और जो युवा तने होते हैं यानी कच्चे तने, पके हुए नहीं, हरे तने, कच्चे तने, कच्चे तनों की यानी यंग स्टेम्स की और ग्रीन लीव्स की, हरी पत्तियों और जो कच्चे तने होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है, उनकी जो सेल्स होती है ऑफ प्लांट्स, पौधे में, कंटेन यानी रखती है, ये जो हरी हरी जो पत्तियां और जो ये जो यंग स्टेम्स होते हैं, जो कच्चे तने होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है ये रखती है, क्या रखती है, न्यूमेरियस ग्रीन स्ट्रक्चर्स, असंख्य हरी संरचनाएं, न्यूमेरियस यानी बहुत सारी, असंख्य ग्रीन स्ट्रक्चर्स, हरी संरचनाएं होती है इनमें, हरी पत्तियों में, किन में होती है हरी संरचनाएं, हरी पत्तियों में, ग्रीन लीव्स में, और यंग जो स्टेम्स होते हैं, जो कच्चे तने होते हैं उनमें ग्रीन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हरी हरी संरचनाएं पाई जाती है, कॉल्ड क्लोरोफिल्स, क्लोरोप्लास्ट्स, इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक और शब्द आएगा क्लोरोफिल, वो अलग है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन दोनों अलग अलग डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है। तो जो पौधे के अंदर जो ग्रीन लीव्स होती है, हरी पत्तियां होती है, और उनमें जो यंग स्टेम्स होते हैं यानी कि हरे तने होते हैं, उनमें ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हरे रंग के कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये हरे क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। तो यही बात अब पढ़ेंगे अपन। द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं, जो यंग स्टेम में पाए जाते हैं, ये ग्रीन क्यों होते हैं, द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि उनमें प्रेजेंस यानी उपस्थिति होती है ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट, एक हरे रंग की, एक हरा एक वर्णक होता है, यानी रंग पैदा करने वाला जो पदार्थ होता है उसको वर्णक कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं। तो एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है
ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन होता है, और ये ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक ग्रीन पिगमेंट यानी हरा रंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए ये ग्रीन कलर का होता है। इट इज क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल ही होता है। क्लोरोफिल ही वो चीज है दैट ट्रैप्स एनर्जी, जो कि पकड़ता है एनर्जी को। सूरज की रोशनी जो आती है, जो सनलाइट आती है, उसमें से एनर्जी को, जो ऊष्मा, जो एनर्जी यानी ऊर्जा है, उसको ट्रैप करता है। ट्रैप यानी पकड़ता है। ये जो क्लोरोफिल होता है, जो हरा रंग का क्लोरोफिल होता है ग्रीन लीव्स में और यंग स्टेम्स में, यही वो चीज है। ये क्लोरोफिल ही वो चीज है जो कि ट्रैप करता है, जो कि पकड़ता है ग्रीन एनर्जी को फ्रॉम सनलाइट। सूरज की जो लाइट आती है उसमें से एनर्जी को कौन पकड़ता है, ये क्लोरोफिल ही वो चीज है जो कि एनर्जी को ट्रैप करता है। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियां अंदर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से। अब देखो ये कच्चा माल कैसे आ रहा है, रॉ मटेरियल कैसे आ रहा है पौधे में, एनर्जी को तो किसने ट्रैप कर लिया, क्लोरोफिल ने, तो एनर्जी तो आ गई क्लोरोफिल से। अब और क्या चाहिए पौधे को, तो और चाहिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है अंदर, पत्तियां ग्रीन लीव्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, एयर से आती है, हवा से आती है, फ्रॉम द एयर। और आती कैसे है पौधे के अंदर, थ्रू टाइनी पोर्स। टाइनी यानी अत्यंत छोटे, पोर्स यानी छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं कहां पर, कॉल्ड स्टोमेटा, उन छेदों को स्टोमेटा कहते हैं। एक को स्टोमा कहते हैं, एक से ज्यादा होते हैं तो स्टोमेटा कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे आती है ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। लेकिन ये छेद होते कहां है वो भी अभी आएगा, लेकिन अभी आपको इतना बताया गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है, हवा से आती है, और कैसे अंदर आती है, टाइनी पोर्स। टाइनी यानी छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, उन छेदों को, वहां से ये अंदर एंटर करती है। और ये छेद कहां होते हैं, दीज पोर्स आर, ये पोर्स होते हैं लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। ये लीव्स यानी पत्तियों के अंडर साइड यानी नीचे की ओर लोकेटेड यानी स्थित होते हैं। ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, ये होते हैं ग्रीन लीव्स के अंडर साइड, नीचे की तरफ होते हैं। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ये जो स्टोमेटा होते हैं, जो ये बारीक छेद होते हैं, ये सराउंडेड यानी घिरे रहते हैं गार्ड सेल से। मैं आपको बताना चाहूंगा एक इसका डायग्राम बना करके कि कैसे होता है स्टोमेटा। देखो ऐसा स्टोमेटा होता है, ये जैसे स्टोमेटा है, ये छेद है, इसके दोनों तरफ एक एक सेल होती है ऐसी, इसको गार्ड सेल कहते हैं। तो ये गार्ड सेल जो होती है, इस इन गार्ड सेल के कंट्रोल में होता है ये स्टोमेटा, ये छेद। तो इन गार्ड सेल के कारण से ये स्टोमेटा बंद भी होता है, खुलता भी है, ये छेद खुलता भी है, बंद भी होता है। और ये गार्ड सेल जो दोनों तरफ होती है, ये इसको बंद करती है, खोलती है। ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है ये भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये दोनों तरफ एक एक सेल होती है इस स्टोमेटा के, वो गार्ड सेल कहलाती है, ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ये गार्ड सेल से सराउंडेड होता है ये स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी छेद जो टाइनी पोर होता है। द स्टोमेटा वॉज स्टोमेटा आर सराउंडेड, ये स्टोमेटा घिरा रहता है बाई गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स से घिरा रहता है। द गार्ड सेल्स, द गार्ड सेल्स, ये जो गार्ड सेल्स होती है कंट्रोल यानी कंट्रोल करती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि स्टोमेटा खुलेगा कि बंद होगा, उसकी ओपनिंग या उसकी क्लोजिंग यानी खुलने और बंद करने को कंट्रोल करती है ये गार्ड सेल्स। द वॉटर इज एब्सोर्ब, अगली चीज क्या चाहिए, पानी। देखो दो चीजें तो बता दी है कि एनर्जी कहां से आती है, तो जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को ट्रैप करता है, पकड़ता है, हरा रंग का जो क्लोरोफिल है। सेकंड चीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहां से आई अंदर, स्टोमेटा में से। एक छेद होते हैं टाइनी पोर्स, बहुत बारीक छेद होते हैं जो
ग्रीन लीव्स के अंडर साइड होते हैं, नीचे की ओर होते हैं, वहां से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। अब तीसरी चीज चाहिए वाटर पौधे को। ये सारी चीजें क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, भोजन बनाने की क्रिया के लिए। तो द वॉटर, अगली चीज है वॉटर। वॉटर कहां से आता है? द वॉटर इज एब्जॉर्ब्ड, वॉटर अवशोषित किया जाता है। एब्जॉर्ब्ड यानी अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से, बाई द रूट हेयर्स, जो जड़ों के अंदर बाल होते हैं पतले पतले, रूट हेयर्स कहते हैं उनको, उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वॉटर। प्रेजेंट इन रूट्स, जो कि जड़ों में प्रेजेंट होते हैं ये रूट हेयर, इन रूट हेयर से एब्जॉर्ब किया जाता है वॉटर। द वॉटर एंड मिनरल्स यानी पानी और खनिज लवण, खनिज, ये जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं जो जमीन में से मिलते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाई द प्लांट्स, ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। आर ट्रांसपोर्टेड, इनको फिर भेजा जाता है। भाई अवशोषित एब्जॉर्ब तो कौन कर रहा है? रूट कर रही है, जड़ें कर रही है। और ये काम कहां आने वाले हैं? भोजन कहां बनने वाला है? ग्रीन लीव्स में, हरी पत्तियों में। तो वहां तक इनको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनको भेजा जाता है। ये जो वॉटर और जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के द्वारा, ये फिर वहां तक भेजे जाते हैं, ग्रीन लीव्स तक इनको भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, लीव्स तक इनको भेजा जाता है थ्रू जाइलम वेसल्स। जाइलम नाम की वेसल्स होती है, एक तरह की नलियां होती है, जो कि उन जाइलम वेसल्स यानी जाइलम नलियों के द्वारा ये जो वॉटर और मिनरल्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक, ग्रीन लीव्स तक, हरी पत्तियों तक। तो ये कैसे जाते हैं? तो ये जाते हैं जाइलम वेसल्स के थ्रू। जाइलम वेसल्स के थ्रू ये इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट आर लाइक पाइप्स। ये पाइप की तरह होती है, ये जो जाइलम वेसल्स होती है ये पाइप की जैसी होती है, इनके थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर और मिनरल को। दीज पाइप्स, ये जो पाइप्स होते हैं रन यानी गुजरते हैं थ्रू द रूट। ये कहां कहां से गुजरती है ये पाइप? रूट से शुरू होते हैं, स्टेम यानी तने तक, तने में से ब्रांचेज यानी शाखाओं में, एंड लीव्स और पत्तियों में, यहां तक ये सब चीजों में से गुजरते हैं ये पाइप, जिनको जाइलम वेसल्स कहा जाता है। यू विल रीड, आप पढ़ेंगे अबाउट दी जाइलम, इन जाइलमों के बारे में, इन हायर क्लासेज, बड़ी क्लासों में। ये जो पाइप की बात हुई है जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर और मिनरल्स को, तो ये जो जाइलम वेसल्स होते हैं इनके बारे में डिटेल से हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, सूर्य से प्राप्त एनर्जी को यूज करते हुए, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। सनलाइट को यूज करते हुए केमिकल, एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है। इन द ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स, हरे भागों में ऑफ द प्लांट, प्लांट के, सूरज की रोशनी की एनर्जी को यूज करते हुए प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में यानी हरे भागों में एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इन विच, जिसमें कि, उस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आर कन्वर्टेड, वो बदल दिए जाते हैं, ये बदल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फूड, भोजन में बदल जाते हैं। लेकिन किसकी, क्या क्या चाहिए उसमें? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, और एनर्जी कहां से आती है? सनलाइट से आती है। और ये सारी रिएक्शन होती कहां है? ग्रीन पार्ट्स में होती है, हरे भागों में होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फूड, भोजन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के फॉर्म में यानी ग्लूकोज के रूप में ये भोजन के, मतलब भोजन बन जाता है उनका। लेकिन भोजन बनता किस रूप में है? ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज बनता है भोजन के रूप में। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस, इन द प्रोसेस,
और ये जो प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसमें ऑक्सीजन भी निकलती है साथ में। तो अपन इस पूरी रिएक्शन को देखो इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। ये एक यहाँ पर एक ये पूरी रिएक्शन यहाँ पर शो की गई है एक इक्वेशन के थ्रू, एक समीकरण के थ्रू। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो हो गया कच्चा सामान, रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। और लेकिन प्रेजेंस किसकी है, और क्या चाहिए इसमें, क्लोरोफिल चाहिए, यानी हरा कलर चाहिए, वो हरे भागों में होती है रिएक्शन, तो क्लोरोफिल होता है उसमें, एक तो क्लोरोफिल प्रेजेंट चाहिए, एक सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी। तो ये चार चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो ये जो ये क्लोरोफिल और सनलाइट की तो प्रेजेंस होती है, इनकी तो उपस्थिति होती है, और तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कन्वर्टेड हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ से रिलीज होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये होती है फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहां पर ये बताया भी गया है आगे, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, जब सिंथेसिस यानी होता है संश्लेषण, यानी बनाना किसी चीज को, सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण, संश्लेषण मतलब बनाना। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, जब फूड का सिंथेसिस होता है, फूड बनता है, अकर्स यानी पैदा होता है, फूड का संश्लेषण पैदा होता है, यानी फूड जब बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में, इट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसको फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसिस होता है, भोजन जब बनता है। यहां पर फोटोसिंथेसिस में दो वर्ड है, टू वर्ड से बना है फोटोसिंथेसिस, एक शब्द तो है फोटो, एक है सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब तो होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स यानी होते हैं अवयव, यानी जिन चीजों से मिलकर कोई चीज बनती है उसको कंपोनेंट कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन, यानी कंपोनेंट्स को मिलाना आपस में। तो लाइट और कंपोनेंट्स को आपस में मिलाना, ये जो क्रिया है जिसमें लाइट की प्रेजेंस में कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में टू वर्ड्स हैं, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन, ये इसका वर्ड मीनिंग है, यानी शाब्दिक अर्थ है। दस यानी इस तरह से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कंबाइंस यानी मिलाता है या जोड़ता है द नॉन लिविंग कंपाउंड्स, नॉन लिविंग यानी निर्जीव, निर्जीव कंपोनेंट्स को, निर्जीव अवयवों को। भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन लिविंग ही तो है, सजीव थोड़ी है, निर्जीव ही तो है। वाटर क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव चीजों को जोड़ता है ये फोटोसिंथेसिस में, क्या होता है, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो निर्जीव कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें लिखा है दस इस तरह फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कंबाइंस यानी मिलाता है या जोड़ता है द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, निर्जीव कंपोनेंट्स को ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण के, जो एनवायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उनको कंबाइन करता है। और वो नॉन लिविंग कौन कौन है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ये कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, टू फॉर्म फूड, फूड को बनाने के लिए। देखो फ्रॉम अलग चीज होती है, फॉर्म अलग होता है, फ्रॉम यानी तो से होता है, फॉर्म यानी बनाना भी होता है और रूप भी होता है। तो टू फॉर्म फूड, फूड को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कंबाइन करता है, जो एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है कौन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को,
सनलाइट की प्रेजेंस में ये कंबाइन करता है, तो इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन लीव्स, वो खाना जो कि बनता है ग्रीन लीव्स में, जो कि ग्रीन लीव्स के द्वारा सिंथेसाइज्ड यानी बनाया जाता है, इज ट्रांसपोर्टेड, उसको फिर भेजा जाता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के दूसरे हिस्सों में, बाय द स्टेम, तने के द्वारा। भाई जब भोजन बन गया लीव्स में, भोजन बन गया, फूड प्रिपेयर हो गया ग्लूकोज के रूप में, तो फिर वो ग्लूकोज के रूप में जो भी फूड होता है उसको इस प्लांट के हर हिस्से में फिर उसको भेजा जाता है, और वो भेजा जाता है स्टेम के थ्रू, तने के थ्रू। इन मोस्ट प्लांट्स, ज्यादातर प्लांट्स में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड, ग्लूकोज बदल जाता है इनटू स्टार्च। ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में बदल जाता है। स्टार्च भी एक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है। ज्यादातर प्लांट्स में ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में बदल जाता है एंड स्टोर्ड, और उसको सुरक्षित रखा जाता है पौधे के अंदर, फिर उसको स्टोर किया जाता है इन लीव्स। कईयों में तो पत्तियों में स्टोर होता है फिर वो भोजन, कईयों में स्टेम में होता है, कईयों में रूट्स यानी जड़ों में होता है, एटसेट्रा, आदि अंगों में, पौधे के जो भी अंग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनमें कहीं पर भी वो जो भोजन बनता है वो स्टोर किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। अधिकांश पौधों में स्टार्च के रूप में रखा जाता है। ग्लूकोज बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन बाद में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च के रूप में फिर वो रहता है। और वो जो पार्ट, जिस पार्ट में वो भोजन स्टोर रहता है, उसको फिर अपन खाते हैं, अपन फिर यूज करते हैं उसका। हम कहते हैं ये तो बड़ा मीठा है, वो जो मीठा अपने को लगता है वो स्टार्च होता है, उसमें ग्लूकोज से स्टार्च बनता है, फिर वो भाग हम खाते हैं। इसीलिए हम कई कई पौधों की पत्तियां खाते हैं, कई पौधों की जड़ें भी खाई जाती है, कई पौधों के स्टेम हम खाते हैं। गन्ना क्या है, स्टेम ही तो है पौधे का, पूरा जो भी फूड बनाता है पौधा अपना सारा स्टेम में वो स्टोर रखता है, वो मीठा गन्ना फिर अपन खाते हैं। तो इस तरह पौधे का बनाया हुआ भोजन अपन खाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम उन पर निर्भर रहते हैं, हम उन पर डिपेंड हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम निर्भर हैं उन पर, दूसरों पर, इसलिए हम हेटेरोट्रॉप्स हैं और वो ऑटोट्रॉप्स हैं। तो इस तरह से भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन वो होती है, और यहाँ फिर हमें बताया गया है कि फिर जो भोजन बनता है ग्लूकोज वो स्टार्च में बदल जाता है, उसको फिर पौधे के बाकी हिस्सों में, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, यहाँ वन पैराग्राफ और बचा है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। द फूड दैट प्लांट्स मेक, जो भोजन, द फूड, भोजन दैट प्लांट्स मेक, जो पौधे बनाते हैं, इज यूज्ड, वो यूज किया जाता है, नॉट ओनली बाई देम सेल्वेज, केवल उनके द्वारा यूज नहीं किया जाता, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम भी खाते हैं फिर उसको, तो ये केवल प्लांट्स तो अपना भोजन, खुद का भोजन भाई खुद के कामों में तो यूज करेगा ही वो, इसीलिए भोजन बनाता है वो, तो नॉट ओनली बाई देम सेल्वेज, केवल उनके स्वयं के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता वो भोजन, बट आल्सो बाय द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, बल्कि एंटायर यानी संपूर्ण लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव विश्व, जितने भी सजीव है विश्व में, उनके द्वारा भी उस भोजन को यूज किया जाता है जो पौधे द्वारा बनता है। तो केवल उनके स्वयं के ही काम नहीं आता वो एंटायर लिविंग वर्ल्ड यानी संपूर्ण सजीव जगत के काम में आता है फिर वो भोजन। बिसाइड्स, इसके साथ ही, एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस हेल्प्स, फोटोसिंथेसिस मदद करता है, ये जो फोटोसिंथेसिस है जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा है, वो भोजन तो बनाता ही है, साथ में वो हेल्प करता है टू मेंटेन द बैलेंस, ये बैलेंस को मेंटेन करने में भी मदद करता है। कौन से बैलेंस को, बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर यानी वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस होना चाहिए,
दोनों की जितनी मात्रा होनी चाहिए उसको भी मेंटेन करता है ये फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन निकलती है और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड तो काम आ जाती है और ऑक्सीजन निकलती है, और ऑक्सीजन को फिर हम ले लेते हैं, हम वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। तो ये जो बैलेंस बनाने का काम है ये भी फोटोसिंथेसिस के कारण से ही बैलेंस रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। देयरफॉर इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में यानी उसकी अनुपस्थिति में अगर फोटोसिंथेसिस न हो लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, तो लाइफ इम्पॉसिबल होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल होगी, संभव नहीं होगा जीवन, ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती जाएगी एटमॉस्फेयर में, और जब ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो हमारा दम घुटता जाएगा और कोई भी जीव जगत, कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा यहाँ पर दुनिया में। इसलिए फोटोसिंथेसिस बड़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, खुद पौधे के लिए तो है ही लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे जीवों के लिए भी। तो देखा कितनी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। आपको ये डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक में, लेसन का नेम आपको लिखना है, सबसे पहले आपको साइंस में रजिस्टर डालना होता है 6th, 7th, 8th में, तो आपको A4 साइज का बड़ी साइज का रजिस्टर डालना है जिसके लेफ्ट में तो ब्लैंक पेपर होता है और राइट में लाइनिंग वाला पेपर होता है। तो लेफ्ट में जब आपके कोई भी डायग्राम आएगा तो आपको ब्लैंक पेपर में वो ड्रॉ करना है उसको, और उसको लेबल भी करना है, नाम भी लिखने हैं उसके। और अगर आपके डायग्राम नहीं आता है तो आप उसको वर्ड्स में भी यूज कर सकते हो लेफ्ट ब्लैंक पेपर को, लेकिन अगर आप वर्ड्स लिखना चाहते हो कभी उसमें तो आप पहले स्केल यानी रूलर की हेल्प से पेंसिल से लाइनें बना लेना उसमें, फिर लिखना उसमें, ऐसे मत लिखना लेफ्ट वाले में। अभी आपको लेफ्ट वाले में पहली बात तो बड़ी साइज का रजिस्टर डालना है आपको इसमें साइंस के लिए, और लेसन का नेम मेंशन करना है, लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके बाद में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये फुल पेज में बनाना है आपको, पूरे पेज में बड़ा सारा डायग्राम, बहुत सुंदर और अच्छी तरह है क्योंकि बहुत ज्यादा कोई काम नहीं है अभी आपके पास। ऊपर लिखना है फोटोसिंथेसिस, स्केल से लाइन खींच के लिखना अच्छा बड़ा सुंदर, ये एक प्लांट बना देना। और इधर की साइड में तो वो चीजें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में काम आती है, और इधर की साइड में वो चीजें हैं जो बनती है फोटोसिंथेसिस से। तो क्या क्या काम आता है, एक तो ये सन, तो ये तो स्टार जैसा बना रखा है, यहाँ आप सन भी बना सकते हो, तो एक तो सन से क्या मिलती है सनलाइट, तो यहाँ लिखना है सन, यहाँ लिखना है सनलाइट, सनलाइट चाहिए। दूसरी चीज चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ब्रैकेट में CO2 लिखा हुआ है, और तीसरी चीज चाहिए वाटर H2O लिखा हुआ है। ये चीजें तो चाहिए, ये तो रॉ मटेरियल है, ये तो कच्चा माल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और फोटोसिंथेसिस होता है तो बनता क्या है, ऑक्सीजन O2 और सुगर C6H12O6, ये इसका इक्वेशन है, इसका सुगर का ये केमिकल इक्वेशन है इसकी। तो ये इस तरह से आपको फुल पेज में बनाना है, ये लेबलिंग भी करनी है, नाम भी लिखने हैं सारे, और इसका हेडिंग लगाना है फोटोसिंथेसिस। ये रॉ मटेरियल इस साइड में लेफ्ट में, और जो बन रहा है, जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है ऑक्सीजन और सुगर, इन दोनों के नेम्स और इनके जो ये केमिकल इक्वेशन है इनकी वो लिखनी है। और यहाँ पर नीचे ये भी लिखना है figure 1.1 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो ये फुल पेज में आपको बनाना है, ये आज का होमवर्क है आपका। और ये जो भी हमने पढ़ा है यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कोई नए अगर डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं तो उनको उनका मीनिंग ध्यान कीजिए, उनका मतलब क्या है, और कुछ डेफिनेशंस को लर्न करने की कोशिश कीजिए। जैसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, ये सारी चीजें आएगी लास्ट में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चीजों को कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ध्यान से सुने चीजों को, और
उनको लर्न करने की कोशिश करें, और जो भी क्वेश्चन आंसर या जो भी डायग्राम्स आपकी नोटबुक में प्रिपेयर होते जाते हैं उनको माइंड में सेट करने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह अप टू डेट करते जाएंगे तो ये सारा नॉलेज आपके पास स्टोर होता जाएगा और आप कैपेबल बनते जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल रीड एंड स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले यानी प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सी यू एंड बाय।